मेरा नाम है मोनिका चंद्रावत और मैं कक्षा 5 को पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। बुक बनी कक्षा 5 विषय पर्यावरण पार्ट 20 किसके जंगल। बुक निकाली है, पहला पॉइंट है जंगल की बेटी। सो सकते हो बच्चे पोटली लेकर जंगल में क्यों जा रहे हैं? इसमें बोला है बच्चे लोग क्या है पोटली बांध के कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। जानना चाहते हो तो तुमको भी जानने की उत्सुकता होगी। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर खेल कूद दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुंडू भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्तों की माला बनाते हैं, गुलदस्ते बनाते हैं और जंगली फलों का मजा लेते हैं। मतलब जो बच्चे हैं ना सब पोटली बांध के कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। जंगल में जाके वो क्या करते हैं? खेलते कूदते, उनकी कुंडू भाषा में क्या करते हैं? वो गीत गाते हैं और जो फूल पत्तर गिरे पड़े रहते हैं ना उसकी गुलदस्ते और माला बनाते हैं और जंगली जो फल है ना उसके मजे लेते हैं, मतलब खाते शौक से। तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते क्या करते हैं? तरह तरह के पक्षियों की क्या निकालती? आवाज़ निकालती है। इन बच्चों के साथ उनकी प्यारी दीदी भी जा रही है। इन बच्चों के साथ उनके जो दीदी है ना वो भी जा रही है, सूर्यमणि दीदी। सूर्यमणि हर रविवार को बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ पेड़ पौधे जानवरों की पहचान कराती है। मतलब वो जो दीदी है ना वो उनको घुमाती है, साथ में कौन सा पेड़ पौधे जानवर उनके बारे में बताती है, जंगलों के बारे में बच्चों को जंगल में ले जाती है और ऐसी क्लासों में खूब मजा आता है। बच्चों को जो जंगल में ले जाते हैं ना तो बच्चों को वो क्लासों में बहुत मजा आता है। जंगल में पढ़ने किताब पढ़ने जितने ही जरूरी नहीं, किताबों में पढ़ना जरूरी है जो वो बच्चे देख के वो करते हैं। सूर्यमणि का वह कहना है कि हम आदिवासी है। सूर्यमणि क्या बोलती है? हम कौन है? आदिवासी है। आदिवासियों की जिंदगी जंगल से ही जुड़ी। आदिवासियों की जिंदगी कहाँ से जुड़ी है? जंगल से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं होंगे। वो बोल रहे हैं अगर जंगल नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम नहीं होंगे। फिर सेकेंड पॉइंट है सूर्यमणि का बचपन। बचपन में सूर्यमणि जंगल में बहुत लगाव था उसको। क्या था? जंगल से बहुत बचपन से ही जंगल में बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर, वो स्कूल जाने का जो सीधा रास्ता छोड़कर कहाँ से रास्ते से जाती थी? जंगल के। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। क्या थी? उसके पिता की छोटी सी खेती थी। उसका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। जो उसका परिवार था ना वो जो पास में जंगल था वहाँ से क्या लाते थे? जड़ी बूटियाँ ला के बाजार में बेचते थे, जड़ी बूटियाँ बेचते थे। तो उसकी माँ बांस की टोकरी चुनकर और गिरे हुए तो उसकी माँ क्या बनाती थी? टोकरी और गिरे हुए पत्तों के क्या बनाती थी? पत्तल बनाती थी। मुश्किल से उनका गुजारा बसर होता था, बड़ी मुश्किल से उनका क्या घर चलता था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे। उस सूर्यमणि के गांव के लोग किससे डरते थे? ठेकेदार से। बुंदिया बाई नहीं डरती थी, जो सूर्यमणि की माँ थी ना वो नहीं डरती थी। वो कहती थी ये जंगल तो हमारे आदिवासियों का हक है। जंगल में हम आदिवासियों का क्या है? हक है। हम इसमें रहते हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल को काटते नहीं है। वो बोलती है हम ठेकेदार की तरह ये जंगलों को क्या करते हैं? काटते नहीं है। हमारे लिए तो जंगल ही हमारी बैंक है। जंगल ही हमारे लिए क्या है? हमारी बैंक है। मेरे ये तो नहीं है जितनी जरूरी है उतना ही हम, मेरे लिए तो जितना जरूरी है हम इतना ही जंगल से लाते हैं। जंगल का खजाना हम नहीं लूटते। जंगल का खजाना क्या नहीं करते हम? लूटते नहीं है। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाते हैं। मुश्किल से ही चलता, छोटी सी खेती से घर क्या है उसका? बड़ी मुश्किल से चलता है। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास रहने लगे। जो उसके पिताजी थे वो काम की तलाश में कहाँ रहने लगे?
शहर के पास में रहने लगे। पर फिर भी हालत नहीं बदली। फिर भी क्या हुआ, उनकी हालत नहीं बदली। कभी कभी तो खाना भी नहीं नसीब होता था, कभी कभी तो क्या होता था, एक टाइम ही खाना मिलता था। मनिया चाचा अपनी परचून की छोटी सी दुकान में से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज बेचते थे। जो उनके मनिया चाचा थे ना, वो उनकी किराने की दुकान थी। तो वो क्या करते थे, कभी कभी उनके घर में क्या पहुँचा देते थे राशन। अनाज भेज देते थे। उन्होंने कोशिश करी कि सूर्यमणि का दाखिला विशानपुर के गांव में स्कूल में हो जाए। उन्होंने कोशिश करी कि सूर्यमणि का स्कूल में दाखिला हो जाए। उसने वहीं रहना पड़ेगा, उसको वहीं रहना पड़ेगा। स्कूल ही फीस, खाना पीना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। स्कूल में ही रहना पड़ेगा, खाना, किताबें, भोजन सब उसको क्या होगा, मुफ्त में मिलेगा। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूसरी जगह जाना पसंद नहीं था। वो जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहती थी। पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। अगर पढ़ोगी नहीं तो क्या करोगी, भूखी मरोगी। भूखी क्यों मरे, जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासी को अपने जंगलों से हटा जा सकता है। कहीं खदान खोद रहे हैं तो कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल को अधिकतर ऐसे ही नष्ट होते जा रहे हैं। जंगल उनके लिए है। मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं है। अगर तुम वो बोलता है, वो बोलती मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं है, वो बोलते अगर तुम पढ़ लिख जाओगी तो फिर जंगल के लिए कानून बना सकती हो, हैं, समझ जाओगे शायद जंगल, तुम्हारी पढ़ाई से जंगल बच जाए। छोटी सूर्यमणि को मनिया चाचा की बात बहुत कुछ समझ आ गई। उसको छोटी सी जो सूर्यमणि थी ना, उसको चाचा जी की बात समझ आ गई कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो हमको कुछ नियम मालूम हो जाएंगे कि क्या है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जंगल बचा सकते हैं। सूर्यमणि का सफर विशानपुर गांव में स्कूल देते ही सूर्यमणि का मन लिखने खिल उठा। उसका मन क्या हुआ, खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास ही तो था। सूर्यमणि ने खूब मेहनत की, वो स्कॉलरशिप ली, मतलब उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और उसको क्या मिली, स्कॉलरशिप मिली। बीए पास किया हुआ। गांव ही ऐसा है कि जहाँ पर अकेली वही लड़की थी जिसने कॉलेज किया था। वासी दीदी उसके पत्र मिल गई, उसको एक दीदी मिली, उन्होंने उसका साथ दिया। उसके साथ मिलकर सूर्यमणि ने झारखंड जंगल में बचाओ आंदोलन का काम करने लगे। मतलब वो झारखंड में रहते थे, उसके साथ एक और मिलके वो जंगल बचाओ का काम करने लगे। इस काम के लिए जगह जगह दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। उसके पिताजी को यह बात पसंद नहीं थी कि सूर्यमणि जंगल बचाने के काम में के लिए गांव वालों से लड़ती है, लड़ना शुरू किया। इसमें उसके साथ दिया उसके बचपन के साथी बीजियों ने, जो उसका बचपन का साथी था ना, उसने इस कार्य में उसका साथ दिया। समाज की पहचान बनाई। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुंडू समाज की पहचान बना। वो बोल रहे हमें, उसका सपना था कि मैं अपने समाज की एक पहचान बनाऊँ। आदिवासी होने पर हमें गर्व है। आदिवासी होने पर हमें गर्व महसूस होता है। वह सभी गांव वालों को ये कहती है कि सूर्यमणि एक और साथी मिर्जी भी, जो दिन रात उसके साथ रहता था, मिर्जी नाम का एक था, वो भी उस सूर्यमणि के साथ रहता था। सूर्यमणि अपना सपना और मन की हर बात उसे बताती थी। मिर्जी सुनकर उस कहता था ची ची ची। सूर्यमणि का तोरण। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वास्तविक दीदी को कई लोगों की मदद करते हुए एक केंद्र खोल दिया। उस जगह पर जाकर नाम रखा तोरंग। कुंडू भाषा के तोरंग का मतलब होता है जंगल।
सोनी मानी चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गाए, अपने अपनी जो परंपरा है उसको भूले ना, अपने पहनावों को पहनावों की पहचान रखें, जड़ी बूटियों को समझे और बांस की जो चीज़ें बनाते हैं ना कला, वो अपने बच्चों को भी सिखाए। अपने अपने स्कूल की भाषा तो सीखी हुए पर अपनी कुंडू भाषा के भी अपने रीति रिवाजों से जोड़े रखे। उन्होंने बोला जो आपने स्कूल की भाषा सीखी वो तो ठीक है पर जो अपने रीति रिवाज है ना वो भी अपने साथ रखो। रीति रिवाज भी अपने कुंडू भाषा के रीति रिवाज भी अपने साथ जोड़ो। यह सब तोरंग केंद्र में होता था। तोरंग में यह कुंडू समाज के अन्य आदिवासी खास किताबों के संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने कई चीज़ें जैसे बांसुरी तरह तरह के ढोल भी है। कई अन्य हो रहा है, किसी के अन्याय हो रहा है, किसी को डर हो तो हुआ उसकी जमीन हड़प ली है तो कोई रोजगार छीन जाने पर परेशान होने पर किसी की मदद करना जरूरी होता है। वह सूर्यमणि की मदद लेते हैं। अगर किसी के कोई झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को डराया, किसी की जमीन छीन ली है, हड़प ली है, रोजगार छीन लिया है, तो वो कहाँ जाते थे? सूर्यमणि के पास जाते थे। वो उनकी मदद करती थी। सूर्यमणि सबका हाल को हक सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती थी। क्या करती थी वो? सबके हक के लिए लड़ती थी। सूर्यमणि ने अपने साथी विजयों के साथ शादी कर ली थी। जो सूर्यमणि का जो साथी था ना, सूर्यमणि ने उसके साथ क्या कर ली? शादी कर ली। दोनों साथ में काम करने लगे। आज उनका काम को कोई लोग सहराते उनके काम को बहुत सारे लोग सहराते हैं। उन्हें विदेश भी बुलाया जाता है। उनको कहाँ बुलाया जाता था? विदेश। उनके अनुभव को सीखने के लिए जंगल के नए कानून बनाए गए, लेकिन आज वह लोग अपने